Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our GK class. So students, in this lecture we are going to learn our unit number 13, Oddball. Then unit number 14, Man of Science. Then unit number 15, Foodies. तो unit number 13 है, इसमें क्या करना है? Oddball, मतलब कि आपको three option दिए हुए हैं और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो ऑड है, ओके? देन 14 है मैन ऑफ साइंस, तो साइंस का रिसर्च किसने किया है उसमें वो आएगा, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस है। देन फूडीज, तो इसमें क्या है? फूड के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओके स्टूडेंट? सो लेट अस लर्न विद आवर जीके टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट्स, आवर यूनिट नंबर 13 इज ऑडबॉल, ओके? तो इसमें आपको क्या करना है? स्पॉट द ऑड वन इन ईच रो एंड सर्कल ईट। आपको क्या करना है? ऑड वन कौन सा है वो आपको फाइंड करना है, एंड देन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर सर्कल करना है, ओके? तो चलो, फर्स्ट है आयुर्वेदा, एलोपैथी एंड होम्योपैथी। तो इसमें से ऑड वन कौन सा है? आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी है, वो क्या है? होममेड होता है ना? एंड एलोपैथी है मीन्स कि वो क्या होता है? हाँ, दवाई होती है अलग अलग टाइप्स की जो बनती है ना, पर ये क्या है? किससे बनता है? आयुर्वेदा मीन्स कि आयुर्वेद से बनता है वो, है ना? एंड होम्योपैथी मतलब कि वो खुद बनाते हैं डॉक्टर, ओके? एंड एलोपैथी मतलब कि उसमें कई सारे ड्रग्स डाले होते है अलग अलग टाइप्स के, है ना? तो एलोपैथी है वो क्या है? ऑड है, तो इसके ऊपर क्या करेगी हम? सर्कल करेगी। देन सेकेंड, लियोनार्डो द विंची, फ्लोरेंस नाइटिंगल, राजा रवि वर्मा। तो लियोनार्डो द विंची है वो क्या है? एक इंजीनियर भी है, वो साइंटिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी है, उसमें सब है ये, ओके? क्वालिटी है वो सब है, साइंटिस्ट भी है, इंजीनियर भी है, पेंटर भी है, आर्टिस्ट भी है, ओके? देन फ्लोरेंस नाइटिंगल, तो वो क्या है? एक इंग्लिश स्टेटिशियन है। क्या है वो? इंग्लिश स्टेटिस्टिशियन, ओके? देन राजा रवि वर्मा है वो क्या है? एक इंडियन पेंटर है। तो लियो दा द विंची एंड राजा रवि वर्मा है वो पेंटर में आ सकता है, पर ये तो क्या है? इंग्लिश स्टेटिस्टिशियन है, ओके? तो ये ऑड वन है, इसलिए इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। देन थर्ड, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड तबला। तो ये क्या है दोनों? भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी वो एक क्या है दोनों? डांस फॉर्म है, एंड तबला वो ऑड है ना उससे, इसलिए ये तबला है वो क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो ऑड है, इसलिए हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। देन फोर्थ, रोम्बस, ट्रपीजियम एंड सर्कल। तो रोम्बस एंड ट्रपीजियम है वो क्या है? तो रोम्बस मीन्स की होता है अ फ्लैट शेप विथ फोर इक्वल साइड्स एंड फोर एंगल्स। देन ट्रपीजियम है उसका मीनिंग होता है अ फ्लैट शेप विथ फोर स्ट्रेट साइड, वन पैर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बीइंग पैरेलल एंड द अदर पैर नॉट पैरेलल। मतलब कि ये क्या है? हाँ, फ्लैट शेप है दोनों, रोम्बस एंड ट्रपीजियम, एंड ये सर्कल है तो क्या है? हाँ, सर्कल में क्या एक भी क्या नहीं आता है? एंगल नहीं आता है, साइड नहीं आती है ना? तो और रोम्बस एंड ट्रपीजियम है उसमें साइड भी आती है एंड एंगल भी आता है ना? इसलिए सर्कल है वो ऑड है, इसलिए हम सर्कल के ऊपर सर्कल कर देंगे। देन फिफ्थ, राकेश शर्मा, सी वी रामन एंड विक्रम साराभाई। तो राकेश शर्मा है वो कौन थे? हाँ, राकेश शर्मा कौन थे? इंडियन पायलट थे। देन सी वी रामन कौन थे? साइंटिस्ट। एंड विक्रम साराभाई है वो भी क्या है? एक साइंटिस्ट है। तो राकेश शर्मा है वो क्या है? पायलट है ना? तो वो ऑड हुआ ना, वो अलग है, ये दोनों सेम है, और राकेश शर्मा है वो क्या है? पायलट है। तो करेक्ट आंसर इज राकेश शर्मा, ओके?
सीवी रामन एंड विक्रम साराभाई वो क्या है, दोनों साइंटिस्ट है. ओके देन 6 आर के नारायण, एम एफ हुसैन एंड रुस्किन बॉन्ड. तो आर के नारायण है वो क्या है, हाँ वो है इंडियन राइटर है. देन एम एफ हुसैन है वो क्या है, इंडियन आर्टिस्ट है. एंड रुस्किन बॉन्ड है वो क्या है, एक इंडियन ऑथर है. तो राइटर एंड ऑथर वो दोनों सेम हुआ ना आर्टिस्ट से, है ना. तो आर्टिस्ट है वो अलग है, मतलब कि एम एफ हुसैन है वो अलग है ना, ऑड है, इसलिए हम उसके ऊपर सर्कल कर देंगे. देन 7 राहुल द्रविड़, सुनील चेत्री, बेचुंग भूतिया. तो राहुल द्रविड़ है वो तो सबको पता है, वो क्या है, क्रिकेटर है. देन सुनील चेत्री, तो सुनील चेत्री वो क्या है, फुटबॉलर है. एंड बेचुंग भूतिया है वो क्या है, वो भी फुटबॉलर है. ओके तो क्रिकेटर, फुटबॉलर, फुटबॉलर, तो कौन सा ऑड हुआ इसमें से, राहुल द्रविड़. तो उसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स. देन 8 सुनीता विलियम्स, सुनिधि चौहान एंड कल्पना चावला. तो सुनीता विलियम है ओके वो क्या है, हाँ एस्ट्रोनॉट है, पर किसकी, अमेरिका की, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है ना वो. सुनीता विलियम्स थी वो कौन थी, एस्ट्रोनॉट थी. देन सुनिधि चौहान है वो क्या है, सिंगर है. एंड कल्पना चावला थी वो भी क्या थी, एस्ट्रोनॉट थी. ओके सुनीता विलियम, सुनिधि चौहान, कल्पना चावला. तो सुनीता विलियम थी वो क्या थी, हाँ वो थी एस्ट्रोनॉट. देन सुनिधि चौहान सिंगर, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट. ओके तो कौन सा ऑड है, सुनिधि चौहान, क्योंकि वो सिंगर है. ओके देन 9 प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम एंड एसी देवे गौड़ा. तो प्रतिभा पाटिल थी वो कौन थी, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो क्या थी, पॉलिटिशियन थी. देन एपीजे अब्दुल कलाम थे वो क्या थे, वो भी पॉलिटिशियन थे. एंड एसी देवी गौड़ा है वो जनता पार्टी में थे. तो प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम है वो दोनों क्या थे, पॉलिटिशियन थे. एंड ये एसी देवी गौड़ा है वो जनता पार्टी में थे, इसलिए वो दोनों से अलग है, इसलिए ऑड है ना वो. तो उसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे. देन 10 गुगली, ड्यूज एंड फुलटोस. तो गुगली एंड फुलटोस वो किस में आता है, हाँ किस में आता है, क्रिकेट में आता है. एंड ड्यूज है वो क्रिकेट में नहीं आता है, तो ये ऑड हुआ, इसलिए हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे. देन 11 किरण मजूमदार शॉ, चंदा कोचर, एंजेलिनी इला मेनन. किरण मजूमदार शॉ, चंदा कोचर, एंजेली इला मेमन. तो इसमें से कौन सा ऑड है, किरण मजूमदार शॉ है वो क्या थे, चेयरपर्सन थी, किसकी, बायोकॉन की. ओके देन चंदा कोचर थी वो क्या थी, हाँ वो थी. सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट यूनिट नंबर 14 मैन ऑफ साइंस. द वर्ल्ड अराउंड अस चेंज्ड आफ्टर इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन साइंस. दिस वॉज पॉसिबल ओनली आफ्टर अ फ्यू ग्रेट मैन एंड वुमेन put on their thinking caps and began inventing and discovering things. Given below are some of the great men of science who changed the world around us. Write down their greatest inventions or discoveries with help from the help box. तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, जिसने इन्वेंशन किया है, क्या इन्वेंशन किया है साइंस में, क्या इन्वेंशन किया है. ओके वैसे ग्रेट मैन के आपको पिक्चर दिए है एंड नेम भी दिए है, और आपको क्या लिखना है कि उसने क्या इन्वेंशन किया है वो आपको लिखना है. तो फर्स्ट क्या है,
अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल। तो उसने क्या इन्वेंशन किया था? हाँ, तो उसने इन्वेंशन किया था टेलीफोन। क्या इन्वेंशन किया था? टेलीफोन। ओके, सो हियर वी विल राइट टेलीफोन। अगर टेलीफोन का इन्वेंशन नहीं किया होता तो आज भी सब क्या करते? लेटर से बातें करते होते हैं ना। देन सेकेंड, लिविस वाटरमैन। तो लिविस वाटरमैन है, उसने क्या इन्वेंट किया था? हाँ, उसने क्या इन्वेंशन किया था? उसने इन्वेंशन किया था फाउंटेन पेन। क्या इन्वेंशन किया था? फाउंटेन पेन। ओके, देन थर्ड, चार्ल्स मैक्टोस। तो चार्ल्स मैक्टोस है ये, उसने क्या इन्वेंशन किया था? उसने इन्वेंशन किया था वाटरप्रूफ फैब्रिक। क्या इन्वेंशन किया था? वाटरप्रूफ फैब्रिक। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ, ये कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसने क्या डिस्कवरी किया था? हाँ, उसने की था इलेक्ट्रिसिटी। सो हियर वी विल राइट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, देन फिफ्थ, थॉमस अल्वा एडिसन। तो ये कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है। ओके, तो उसने क्या इन्वेंशन किया था? उसने, ये तो सबको पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या इन्वेंशन किया था? क्या? लाइट बल्ब। क्या किया था? लाइट बल्ब। सो हियर वी विल राइट लाइट बल्ब। ओके, देन सिक्स, कौन है ये? एडवर्ड जेनर है। ये कौन है? एडवर्ड जेनर। तो ये एडवर्ड जेनर है, उसने क्या इन्वेंशन किया था? तो उसने किया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके, देन सेवन, आइजैक न्यूटन है। हाँ, ये कौन है? आइजैक न्यूटन। तो इसने क्या डिस्कवरी किया था? हाँ, उसने किया था ग्रेविटी। वो भी सबको पता होता है ना? यस। ओके स्टूडेंट्स, अवर यूनिट नंबर 15, फूड इज। हाउ गुड इज योर फूड क्वोशंट? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। यूज द हेल्प बॉक्स इफ यू नीडेड टू। तो यहाँ पे आपको फूड के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, ओके? तो उसका आपको आंसर लिखना है, ओके? एंड अगर आपको हेल्प बॉक्स की जरूरत है तो आप उसमें से आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट, विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? तो नेशनल वेजिटेबल है इंडिया का, वो कौन सा है? हाँ, वो है इंडियन पम्पकिन। सो हियर वी विल राइट इंडियन पम्पकिन। ओके, देन सेकेंड, स्ट्रॉबेरी इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन? स्ट्रॉबेरी है, उसमें से कौन सा विटामिन मिलता है हमें? हाँ, तो उसमें से मिलता है विटामिन सी। देन थो सांबार इज पॉपुलर अक्रॉस साउथ इंडिया, विच स्टेट इज मोस्ट फेमस फॉर सांबार? तो सांबार के लिए कौन सा स्टेट है वो फेमस है? हाँ, साउथ इंडिया का तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। सो हियर वी विल राइट तमिलनाडु। ओके स्टूडेंट्स, देन फोर्थ, वेयर डज द सीजर सलाड ओरिजिनेटेड फ्रॉम? वेयर डज द सीजर सलाड ओरिजिनेटेड फ्रॉम? तो इसमें आएगा मैक्सिको।
So here we will write Mexico. Then fifth, where does coffee originated from? Where does coffee originated from? Ethiopia. Kya? Ethiopia. Okay students. Then sixth, where does pineapple originated from? Brazil. What? Brazil. Then next, seven, where does wheat originated from? Where does wheat originated from? Turkey. What? Turkey. Okay students. Then 8. Where are bananas originally from? Southeast Asia. Southeast Asia. Okay? Then 9. Which state is known as the Apple State of India? Kaun hai? Himachal Pradesh. Then 10th, which food product is the main export of Cuba? What? Sugar. Okay? Which food product is the main export of Cuba? So, isme answer kya aayega? Sugar. Okay student? So students, I hope you enjoyed the GK lecture and gained your knowledge. So students, if you have any doubt in GK, then contact me. Here, we end up our GK syllabus. Okay students, bye-bye, take care.